Hello guys, welcome back to my channel. My name is Krish Sharma and I hope that you are doing pretty well. So guys, जैसे आपको पता है बाहर लॉकडाउन का सीन चल रहा है तो बाहर की वीडियोस तो हम बना नहीं सकते. मैंने सोचा क्यों ना घर पे कुछ अच्छी वीडियो बनाते हैं. तो भाई आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अमराद के टॉप 5 रेस्टोरेंट के बारे में. और जो भी मैं रेस्टोरेंट के बारे में बताऊंगा मैं पर्सनली वहाँ पर जा चुका हूँ, मतलब एक ना एक बार वहाँ गया हूँ मैं. तो भाई स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो. तो भाई 5th पोजीशन पर है कुंदन्स रेस्टोरेंट जो कि अमराद के पीलीकोटी पर है, जस्ट KFC के बराबर में. और काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट है और जो वहाँ के ग्रिल्ड सैंडविच तो बहुत अच्छा लगता है, मेरा फेवरेट है ग्रिल्ड सैंडविच, बहुत ही टेस्टी होता है वहाँ पे. और जो ये मेरा आपको दिखाई दे रहा प्यारा सा यहाँ के सामने व्यू है, मेरा सबसे फेवरेट चीज़ तो इसकी लगती है. इतना यहाँ पर आराम से बैठ सकते हैं और इतना अच्छा व्यू एंजॉय करते हैं खाने के साथ साथ. तो काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट, यहाँ पर जब भी लॉकडाउन खत्म हो आप वहाँ पर जा सकते हैं. तो अब आते हैं नंबर फोर्थ पर है चाय नगरी, मेरा पर्सनल काफ़ी फेवरेट. तो गाइस जैसा कि आपको इसके नाम से पता लग ही गया हुआ, ये है चाय के लिए फेमस. काफ़ी अच्छी चाय मिलती है, बहुत टेस्टी चाय मिलती है और शायद अप्रॉक्स 20-25 रुपीज़ के आसपास चाय मिल जाती है. बहुत अच्छी चाय मिलती है और ये नहीं खाली चाय मिलती है, बर्गर चीज़ भी, बर्गर सैंडविच वगैरह काफ़ी अच्छी चीज़ मिलती है यहाँ पर. और पूरा ऑलमोस्ट वुडन का है और काफ़ी अच्छे यहाँ पर पिक्स भी आ सकती हैं, वीडियोज भी बना सकते हैं हम जाके. काफ़ी अच्छा आप इसे भी ट्राई कर सकते हैं. और गाइस चाय नगरी है रामगढ़ विहार Phase 2 में, आप यहाँ पर जा सकते हैं. भाई नंबर 3rd पे आता है सेकेट अप कैफे, बहुत ही अमेजिंग रेस्टोरेंट ये भी. और गाइस सेकेट अप कैफे की आई थिंक मुराद में 2 या 3 ब्रांच है, एक है गांधीनगर में जिसका मैंने ब्लॉग ऑलरेडी बना चुका हूँ और एक है पीलीकोटी पर क्रॉस रोड मॉल के नीचे, बाकी मेरी 3rd पता नहीं. लेकिन ऐसा कहा जाता है कि मुराद का ये फर्स्ट कैफे मुराद का टैग इसी को दिया गया है सेकेट अप कैफे को, बाकी मुझे पक्का नहीं पता, डोंट कोट मी ऑन दिस, आप देख लेना जहाँ भी आपको पता लगे. बाकी बहुत अच्छा है, बहुत यूनिक है भी. यहाँ पे जो इसके शेक होते हैं वो 1 नंबर होते हैं, बहुत ही अमेजिंग होते हैं, बहुत टेस्टी होते हैं और इसके इंटीरियर डिजाइनिंग बहुत प्यारी होती है. बाकी बर्गर वगैरह बाकी और भी कुछ आप लेते हैं आइसक्रीम वगैरह काफ़ी कुछ मिलता है यहाँ पे. तो जब भी लॉकडाउन खत्म हो आप यहाँ भी जा सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं, बहुत प्यारा है ये शेकेट अप कैफे भी. नंबर 2nd और 1st पे मैं काफ़ी कन्फ्यूज हुआ था पर फिर भी मैंने डिसाइड कर लिया. भाई नंबर 2nd पर आता है बेस्ट ऑफ द बेस्ट मुराद का ऑलमोस्ट, मतलब बेस्ट कैफे, बेस्ट रेस्टोरेंट, ट्रैफिक जैम किचन एंड बार, बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही ग्रैंड है. इसमें जैसे मैंने अपने वीडियो में बोल रखा है, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 फ्लोर है इस पर और टॉप फ्लोर तो पूरा रूफ टॉप है, पूरा रूफ ना अमेजिंग है, इतना प्यारा है मैं आपको बता सकता. आराम से ग्राउंड फ्लोर जाओ, ग्राउंड फ्लोर से आराम से लिफ्ट है, लिफ्ट पकड़ो 1st, 2nd, 3rd फ्लोर पर, तीनों पे आराम से लिफ्ट से जाओ, मज़ा आता है, लिटरली बहुत ही मज़ा आता है. सो फाइनली हम पहुंच चुके हैं टॉप फ्लोर पर जो कि रूफ टॉप है, रूफ ऑफ कुछ भी नहीं है, आराम से ऐसे ही बिल्कुल अपने फूड को एंजॉय करो. और सामने इतने प्यारे प्यारे व्यू देखो, इतनी प्यारी बिल्डिंग लगती है सामने वाली, इतना प्यारा लगता है यहाँ पे आके और इतनी अमेजिंग वाइब आती है यहाँ पे, ठंडी हवा, इतना प्यारा खाना, बहुत ही मज़ा आता है यहाँ पे जाके. तो भाई कहीं जाना जाना लेकिन ये जो ट्रैफिक जैम किचन वाला है यहाँ जरूर जाना, बहुत अमेजिंग जगह है मुराद की. आराम से म्यूजिक बजता रहता है यहाँ पे, आराम से खाना खाओ, अपना फूड एंजॉय करो, डांस करो, कुछ ही बहुत मज़ा आता है यहाँ पे, बहुत प्यारी जगह है ये. और गाइस ये रामगढ़ विहार Phase 2 में है जो चाय नगरी वाली लेना उसके जस्ट सामने है. और गाइस नंबर 1 पर है मेरी बहुत फेवरेट MGR महेश्वरी गार्डन रेस्टोरेंट, MGR. सो गाइस ये है मुराद का बेस्ट रेस्टोरेंट अकॉर्डिंग टू मी, MGR महेश्वरी गार्डन रेस्टोरेंट, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही ब्यूटीफुल, इसमें ग्रीनरी है. वैसे ट्रैफिक जैम 1st पे आ सकता था पर मैंने 1st पे इसलिए नहीं रखा बिकॉज इसमें ग्रीनरी ज़्यादा है, पॉजिटिविटी ज़्यादा है, इसमें शांति ज़्यादा है, वहाँ पर थोड़ा सिटी में, लेकिन ये बिल्कुल सिटी से अलग हट के एकदम. और गाइस ये है बुद्धि विहार Phase 2 में न्यू मुराद, बिल्कुल अलग हट के एकदम शांति में, काफ़ी अलग जाके एकदम ये. गाइस बेसिकली ये रेस्टोरेंट प्रॉपर लंच और डिनर के लिए है, जैसे होता है ना रोटी पनीर वगैरह आपको पूरा प्रॉपर खाना है, जैसे बर्गर वगैरह वो तो है ही, लेकिन उसके अलावा जो होते हैं ना पनीर या फिर मलाई कोफ्ता कुछ भी होता है प्रॉपर फैमिली के लिए, बहुत अच्छी जगह है, आप फैमिली को यहाँ पर लेके जा सकते हैं. मैं न्यू ईयर पर गया था, अपने भाई के बर्थडे पर गया था और बहुत अच्छी जगह है. यहाँ पर प्रॉपर लंच और डिनर तो अच्छा मिलता है पर
यहाँ का वाइट सॉस पास्ता ट्राई करना, जो कि मैंने अपने भाई के बर्थडे पे किया था। बहुत प्यारा है, बहुत टेस्टी है वो भी, बहुत अच्छा है। और ग्रेनरी तो आप देख रहे हो कितनी प्यारी लग रही है ऊपर से, तो बहुत प्यारा रेस्टोरेंट, इसमें जा सकते हैं। और गाइस भी ओपन भी है अगर ओपन करना चाहते हो आप, और उसमें शेड भी है पीछे, अगर शेड में लंच करना चाहते हैं, सारी फैसिलिटी है इसमें। और गाइस अगर आपको इन सारी जगहों की प्रॉपर वीडियो चाहिए तो मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको सारे वीडियो के लिंक मिल जाएंगे, आप सारी वीडियो प्रॉपर देख सकते हैं। मैं सारी जगह विजिट कर सकी हैं, हर जगह का एक प्रॉपर अगर ब्लॉग बनाए तो आप देख सकते हैं। तो गाइस बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, और बताएं कमेंट सेक्शन में कैसी वीडियो लगी, और कमेंट करें मैं किस बारे में वीडियो घर पर बैठ के बना सकता हूँ ताकि आपको अच्छी लगे। और मिलते हैं फिर से ऐसे किसी ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, ध्यान रखना, ठीक है, बाय बाय।